हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर वीडियो। आज के स्टूडियो में हम लोग सीखेंगे नया फोल्डर बनाना, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, बिना नाम का फोल्डर बनाना और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम का फोल्डर बनाना। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग डेस्कटॉप लोकेशन पर हैं, तो यहाँ पर हम लोग फोल्डर बनाना सीखेंगे। फोल्डर बनाने के लिए हम लोग को माउस के राइट बटन से क्लिक करना है, उसके बाद आपको न्यू वाले ऑप्शन पे आना है और इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका मिल जाएगा फोल्डर का, तो फोल्डर वाले ऑप्शन पे हम लोग को क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि फोल्डर हमारा क्या हो चुका है, तो बन चुका है। ये हम लोग का क्लियर हुआ फोल्डर बनाना। उसके बाद हम लोग शॉर्टकट की से फोल्डर बनाना सीखेंगे। तो शॉर्टकट की से फोल्डर बनाने के लिए हम लोग को एक शॉर्टकट की यूज करना है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एन। तो आप देख सकते हैं कि न्यू फोल्डर 2 क्रिएट हो चुका है। शॉर्टकट की से जो हमारा फोल्डर बनता है वो हमेशा सीरीज में बनता है, यानी यहाँ पे आपका फोल्डर लास्ट कर रहा है, तो अगर आप नया फोल्डर बनाते हैं तो इसके नीचे जो ब्लैंक स्पेस है यहीं पे हमारा सीरीज में आता है, लेकिन हम लोग जहाँ पे राइट क्लिक से बनाना चाहते हैं वहाँ पे बना सकते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग फोल्डर जो बनाते हैं वो किसी भी जगह पर आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जो हमारा शॉर्टकट की से बनता है वो हमेशा क्या बनता है, तो सीरीज में बनता है। तो दो टॉपिक हम लोग का क्लियर हुआ। अब हम लोग बनाएंगे फोल्डर में फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो जैसे हमारा ये न्यू फोल्डर है, तो न्यू फोल्डर पे हम लोग को क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं कि हम लोग न्यू फोल्डर में आ चुके हैं। अब फिर से हम लोग को राइट क्लिक करना है, न्यू पे आना है, फोल्डर वाले ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे हम 1 डाल रहे हैं। तो न्यू फोल्डर के अंदर 1 नाम से मेरा एक और फोल्डर बन चुका है। इसी तरीके से आप जितना फोल्डर बनाना चाहते हैं उतना फोल्डर बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरा शॉर्टकट की से दूसरा फोल्डर बन चुका है। नेक्स्ट है हम लोग का फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास न्यू फोल्डर के नाम से फोल्डर है, तो इसको हम रीनेम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग को करना है राइट बटन से क्लिक, उसके बाद रीनेम वाले ऑप्शन पर करना है क्लिक, तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब इसमें आप कोई भी नाम इंटर कर सकते हैं। दूसरा हमारा शॉर्टकट की से रीनेम होता है, तो फोल्डर पर करना है क्लिक और उसके बाद F2 प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 रखे हैं। अब हम लोग सीखेंगे फोल्डर को बिना नाम का कैसे बनाते हैं, या फिर बिना नाम का उसको क्रिएट कैसे करते हैं, या फिर नाम कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 नाम का जो फोल्डर है इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, तो बिना नाम का करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लोग को फोल्डर को क्या करना है, तो सिलेक्ट करना है और हम लोग को रीनेम करना है F2, और उसके बाद हम लोग को एक शॉर्टकट की प्रेस करना है, अल्ट बटन को होल्ड किए रहना और 255 प्रेस करना है। देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम क्या हो चुका है, तो रिमूव हो चुका है। उसके बाद बाहर हम लोग को क्लिक कर देना है, तो ये फोल्डर हमारा विदाउट नाम का आ चुका है। अब हम लोग सीखेंगे अलग अलग लोकेशन पर फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो ये जो हमारा भी फोल्डर बन रहा है ये डेस्कटॉप लोकेशन पर है, तो हम लोग आते हैं माई कंप्यूटर में। यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्या है, तो लोकेशन डेस्कटॉप का है, डाउनलोड का है, रिसेंट प्लेस है, डॉक्यूमेंट है, म्यूजिक है, पिक्चर है, वीडियो है। तो इसी तरीके से आप जहाँ पे भी फोल्डर बनाना चाहते हैं वहाँ पे बना सकते हैं। देख सकते हैं कि इसमें फाइल फोल्डर पहले से भी बना हुआ है, इसमें भी है। तो हम लोग कंप्यूटर में बनाते हैं, कंप्यूटर लोकेशन में आए, यहाँ पे 2 डिस्क है, आप किसी भी डिस्क में बनाकर देख सकते हैं। तो हम लोकल डिस्क C में बना रहे हैं और यहाँ पर हमको एक फोल्डर बनाना है, तो फोल्डर बनाने का प्रोसेस वही है, या फिर आप शॉर्टकट किसे बनाइए या राइट क्लिक न्यू फोल्डर, यहाँ पे आप जिस नाम से बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। तो इसमें भी हमारा फोल्डर क्या हो चुका है, बन चुका है। फिर से हम लोग को इस पर क्या करना है, तो डबल क्लिक करना है और इसमें अगर आप बनाना चाहते हैं तो राइट क्लिक न्यू फोल्डर, फोल्डर हमारा क्या बन चुका है, तो क्रिएट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखे फोल्डर कैसे बनाते हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर कैसे बनाते हैं, बिना नाम का फोल्डर कैसे बनाते हैं, या फिर फोल्डर को रीनेम कैसे करते हैं, फोल्डर का जो नाम है उसको रिमूव कैसे करते हैं और अलग अलग जगह पर फोल्डर कैसे बनाते हैं। तो आशा करते हैं आज का ये टॉपिक आप लोग का क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।